सीधे आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तैयारियों को और धार देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं, मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई, इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपुरा में एक बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है
कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी नौजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बिना धांधली के काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी। साथियों, यहां के तीन खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे, इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं तीन खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे? शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी, डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था, और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये तीन खानदान इससे खुश रहते थे। तो आप जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की कर लेते हैं। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 20 वादे बीजेपी ने किए हैं। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है, साथ ही महिलाओं को कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा बीजेपी इस दौरान देगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए भी मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 20 वादे किए हैं, जिसमें अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने का भी वादा हरियाणा की जनता से किया है। साथ ही महिलाओं को जो भत्ता है या महिलाओं को जो राशि है वो कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा भारतीय जनता पार्टी देगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, वहीं नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। इस बीच बीते दिन हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने भी अपना जो 7 गारंटियां है वो अपना घोषणा पत्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया था, जिसमें कांग्रेस ने 7 गारंटियां हरियाणा के लोगों को दी थी। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। इन 20 वादों के तहत जहां अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का भी बीजेपी ने वादा किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जो राशि दी जाएगी, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा महिलाओं को, वो 100 रुपए ज्यादा कांग्रेस से देने का वादा जनता से किया है। यानी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे।
अब सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। काटे जा रहे हैं जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ? पैसे का क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी, और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी चाहिए। सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेकर जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है, जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बार सर उन्होंने और कही देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितनी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए भस्मासुर दोनों हो सकते हैं, बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां चुनाव होंगे वहां भी बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। मैंने आपसे कहा पे इतना ही भरोसा है, ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये किस नीति को फैसला करना है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है? और जहां तक जो बात पूछ रहे हैं उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं सुनने में आ रहा है और
ली है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं, और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। तो आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते बात अयोध्या की कर लेते हैं। खबर अयोध्या से है जहां मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिल्कीपुर दौरा है जहां करोड़ों रुपए की आज वो मिल्कीपुर की जनता को सौगात देंगे, मिल्कीपुर की जनता को कई परियोजनाएं समर्पित करेंगे, जिसको लेकर फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा को अब जब मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं तो जनता को सौगात दे रहे हैं, अभी तक सौगात क्यों नहीं दी। जो भी सौगात मिली है वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में मिली है। सांसद अवधेश प्रसाद ने जमकर बीजेपी को इस दौरान घेरा। जब अवधेश प्रसाद फिर चुनाव, अब तक उनकी सौगात कहां रही? अब तक बाबा की सौगात कहां गई? अब जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है जिसमें उनको पता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है तो इस सौगात का कोई मतलब नहीं है। सौगात समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री सरकार में, अवधेश प्रसाद जब मंत्री थे, तमाम सड़कें, तमाम आश्रम पद्धत विद्यालय और अस्पताल और पॉलिटेक्निक आईटीआई आश्रम पद्धत विद्यालय ये सब दे चुके हैं फायर ब्रिगेड, और जिसको इन्होंने बंद रखा था। जब अवधेश प्रसाद फिर चुनाव जीते और विधानसभा में सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो आज पॉलिटेक्निक बनने लगा, आईटीआई इन्होंने बेच दिया, आईटीआई बेच दिया पब्लिक के प्राइवेट हाथों में, हमारा सरकारी था। और परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय करोड़ों का था, करोड़ों का, इसको इन्होंने राजकीय खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया इन्होंने। खबर बिहार के नवादा से है जहां महादलित बस्ती में दबंगों ने 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में कई मवेशियों के भी जलकर मरने की खबर है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया गया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप किए हुए है। संभल में दिव्यांग मोर्चा के लोग बिजली विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर दिव्यांगों को अपशब्द कहने का आरोप है, जिसके खिलाफ दिव्यांग मोर्चा ने एसडीएम से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा था और कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन ज्ञापन के बाद भी बिजली विभाग पर कार्रवाई नहीं होने पर दिव्यांग मोर्चा अब धरने पर बैठ गया है। खबर अमरोहा से है जहां अमरोहा में हसनपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह के रिश्तेदार के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सराफा दुकान से करोड़ों के जेवरात की डकैती का खुलासा करने पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और
अपर पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अमिताभ यश को सम्मानित किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीजीपी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान घटना में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट व्यापारियों ने पुलिस महानिदेशक की प्रशंसा भी की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।